स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी 11th बायो के चैप्टर 3 प्लांट किंगडम से। हर एक क्वेश्चन के बाद में आपको 5 सेकंड दी जाएंगी सोचने के लिए, फिर आपको आंसर देना है। इसके बाद में मैं आपको आंसर बताऊंगा। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा लगे कि आंसर नहीं आ पा रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके भी सोच सकते हो, क्योंकि 5 सेकंड अगर आपको कम लगते हैं तो आप सोच सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है उगेमी इज सीन इन। उगेमी किसके अंदर मिलती है? पहला ऑप्शन है वोल्वोक्स, दूसरा है फ्यूकस, तीसरा है बोथ, चौथा है स्पायरोगारा। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बोथ। वोल्वोक्स और फ्यूकस दोनों के अंदर क्या मिलती है? उगेमी। उगेमी का मतलब मेल गेमेट, मोटाइल हो या फिर नॉन मोटाइल, वो क्या होगा? स्मॉल। और फीमेल गेमेट क्या होगा? नॉन मोटाइल। इस तरीके की जो कंडीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन और उगेमी, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल और है पॉलीसाइपोनिया, जिसके अंदर मेल गेमेट और फीमेल गेमेट दोनों ही क्या है? नॉन मोटाइल। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। इन ब्राउन एल्गी द गेमेट्स आर, ब्राउन एल्गी में गेमेट्स कैसे होते हैं? पहला ऑप्शन है ओनली आइसोगेमेट्स, दूसरा है ओनली सिनोप्लाज्मोगेमेट्स, और तीसरा है ओनली मल्टीफ्लेजिलेटेड गेमेट्स, और चौथा ऑप्शन है इसके अंदर पायरीफॉर्म पियर शेप्ड गेमेट्स हैविंग अन इक्वल टू लेटरली अटैच्ड फ्लेजिला। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है? पायरीफॉर्म पियर शेप्ड गेमेट। पायरीफॉर्म और पियर शेप्ड गेमेट है जिसके अंदर क्या? अन इक्वल लेटरल अटैच्ड फ्लेजिला है, ठीक है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। लीवरवर्ड्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय, लीवरवर्ड एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? ऑप्शन एक गेमा, ऑप्शन दूसरा फ्रेगमेंटेशन, ऑप्शन तीसरा माइटोस्पोर, और ऑप्शन चौथा बोथ ए एक और दो, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एक और दो, दोनों सही है इसमें। जेमी या गेमा और फ्रेगमेंटेशन दोनों से क्या करता है? लीवरबर्ड रिप्रोड्यूस करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 100 जाइगोस्पोर अल्टरनेट विथ एम्प्टी सेल इन द स्पायरोगायरा आर अंडर स्पेस है कॉन्जुगेशन एंड द टोटल नंबर ऑफ डॉटर फिलामेंट फॉर्म्ड विल बी। ऑप्शन फर्स्ट है स्क्लेरिफॉर्म 400, ऑप्शन सेकंड है लेटरल 100, ऑप्शन थर्ड है लेटरल 400, और ऑप्शन फोर्थ है स्क्लेरिफॉर्म 100। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है लेटरल 400। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बताऊं आपको तो इसके अंदर कुछ टर्म आ रही है। एक तो आ रहा जाइगोस्पोर, ठीक है, एक आ रहा है स्पायरोगायरा, एक वर्ड आ रहा है कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन आप सभी को पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है कॉन्जुगेशन, जिसके अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम कॉन्जुगेशन ट्यूब बोलते हैं। स्पायरोगारा क्या है? स्पायरोगारा एक एल्गी है, ग्रीन एल्गी स्पायरोगारा। और फिर बात करते हैं हम जाइगोस्पोर की। तो आप सभी को पता है जब मेल और फीमेल गेमेट बाइंड होते हैं, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट जब बाइंड होते हैं तो क्या बनती है? एक यूनिसेल्युलर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है जिसका नाम क्या होता है? जाइगोट, ठीक है।
एल्गी के प्रोस्पेक्टिव में, स्पायरोगायरा के प्रोस्पेक्टिव में अगर ये जाइगोट प्रोटेक्टिव है और एक कवर्ड है वॉल से, तो हम उसको क्या बोल देंगे, जाइगो स्पोर, जाइगो स्पोर। ठीक है, आप फिगर में देख सकते हो कि स्पायरोगायरा है, ये स्पायरोगायरा की एक सेल है और ये स्पायरोगायरा का दूसरा सेल है, ये एक फिलामेंटस बॉडी है। अब ये क्या कर सकता है कि दो तरीके से क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, या तो ये स्पायरोगायरा का एक फिलामेंट किसी दूसरे फिलामेंट के साथ, मतलब ये स्पायरोगायरा का स्ट्रेन अलग है और ये स्पायरोगायरा का स्ट्रेन अलग है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब बने, मतलब ये एज ए मेल का काम करा और ये फीमेल का, और इन सेल के बीच में क्या हो, कॉन्जुगेशन ट्यूब बने और यहां से मेल गेमेट कॉन्जुगेशन ट्यूब की थ्रू किसके अंदर जाए, फीमेल गेमेट के पास। एक ऑप्शन तो ये है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरीफॉर्म। ठीक है, अगर एक ही फिलामेंट के अंदर ये प्रोसेस हो रही है, एक ही फिलामेंट की दो सेल है, उनके बीच में एक के पास मेल गेमेट है और दूसरे के पास फीमेल गेमेट है, और कॉन्जुगेशन ट्यूब से मेल गेमेट कहां पर जा रहे हैं, फीमेल गेमेट के पास में, समझ रहे आप, मेल गेमेट जा रहे हैं फीमेल गेमेट के पास और फिर वो जाकर क्या बना रहे हैं, जाइगोस्पोर। तो जब यहां से मेल गेमेट इसके पास चले जाएंगे तो ये सेल या ये जो कोशिका है ये क्या हो जाएगी, वेकेंट हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। इसलिए यहां पर क्या पूछ रखा है कि 100 जाइगोस्पोर बनाने हैं अपन को, 100 जाइगोस्पोर बनाने, अल्टरनेट विद एम्प्टी सेल। यहां से जब अगर 100 जाइगोस्पोर बनेंगे तो ये सेल क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, सेल्स एम्प्टी इन स्पायरोगायरा अंडर कौन से कॉन्जुगेशन, लेटरल, क्योंकि लेटरल कंडीशन में हो रहा है। लेटरल जब भी बात करेंगे हम तो करेंगे लेटरल का मतलब एक ही फिलामेंट की दो सेल के बीच में, लेटरल कॉन्जुगेशन एंड टोटल नंबर ऑफ डॉटर फिलामेंट। अब इससे जो बनेगा जाइगोस्पोर, जो आगे चलकर क्या बनाता है, नया स्पायरोगायरा। ठीक है, तो वो कितने बनेंगे, तो यहां से मेल गेमेट गए अपने पास, क्या थे, एग सेल कितनी थी, 100, और जाइगोस्पोर कितने बने, 100, तो डॉटर सेल भी कितनी बन जाएंगी, 100। तो इसका आंसर क्या आ गया, लेटरल 100। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के क्वेश्चन की, फिफ्थ की। इन फ्यूनेरिया 20 क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन राइजोइड्स एंड देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन कैलेप्ट्रा, थीका एंड फुट विल बी। आपका ऑप्शन पहला है 20 40 20 20 रेस्पेक्टिवली, और चौथा है 40 10 20 रेस्पेक्टिवली। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, एक। ठीक है, 20 तो क्या होंगे, कैलेप्ट्रा, क्योंकि कैलेप्ट्रा हैप्लोइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या हो गया, डिप्लोइड स्ट्रक्चर, जो एक स्पोरोफाइट का पार्ट है, और फुट भी क्या है, स्पोरोफाइट का पार्ट है, वो भी डिप्लोइड है। तो हैप्लोइड क्रोमोसोम नंबर यहां पर 20 है, तो कैलेप्ट्रा के अंदर भी 20 मिलेंगे, थीका के अंदर 40 क्योंकि डिप्लोइड है, और फुट भी क्या हो गया, डिप्लोइड 40। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। प्लांट क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनियस वाज आर्टिफिशियल बिकॉज इट वाज बेस्ड ऑन, ऑप्शन एक है ओनली ए फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ऑप्शन दूसरा है ऑल द पॉसिबल कैरेक्टर, ऑप्शन तीसरा एनाटॉमिकल कैरेक्टर विच आर अडेप्टिव इन नेचर, और चौथा है फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ओनली ए फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे दिया था कैरोलस लिनियस ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। स्पेस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज, नेचुरल एफिनिटीज के ऊपर बेस्ड क्लासिफिकेशन कौन सा है इसमें से, ऑप्शन फर्स्ट है इसके अंदर आर्टिफिशियल, ऑप्शन सेकंड है नेचुरल, ऑप्शन थर्ड है फाइलोजेनेटिक, और ऑप्शन फोर है सेक्सुअल। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, नेचुरल। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। स्पेस क्लासिफिकेशन सिस्टम वर बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म, इवोल्यूशन रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड कौन सा क्लासिफिकेशन है, पहला ऑप्शन है नेचुरल, दूसरा है आर्टिफिशियल, तीसरा है फाइलोजेनेटिक, और चौथा है बोथ ए एंड बी। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, सी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। ऑप्शन फर्स्ट है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी मींस ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शन सेकंड है इसके अंदर साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, कीमोटैक्सोनॉमी क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर, और फोर्थ है क्लेडिस्टिक टैक्सोनॉमी ओरिजिन फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी, क्योंकि ये पेयर क्या है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। कीमोटैक्सोनॉमी का मतलब क्रोमोसोम नंबर और स्ट्रक्चर की स्टडी करना नहीं होता है, कीमोटैक्सोनॉमी का मतलब केमिकल की बात, कोई एल्केलॉइड की बात करेंगे जब हम, और उसके बेसिस पे हम सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटी करते हैं किसी स्पीसीज की, तो उसको हम बोलते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट एम्प्लॉयज न्यूमेरिकल डाटा टू इवोल्वेट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज इज नोन एज। ऑप्शन फर्स्ट है इसके अंदर साइटोटैक्सोनॉमी, ऑप्शन सेकंड है बायोसिस्टमेटिक, ऑप्शन थर्ड है फेनेटिक्स, और ऑप्शन फोर्थ है कीमोटैक्सोनॉमी। योर टाइम स्टार्ट नाउ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, फेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मेल गेमेट्स आर फ्लेजिलेटेड इन। मेल गेमेट्स फ्लेजिलेटेड किस में होंगे, ऑप्शन फर्स्ट है स्पायरोगायरा, ऑप्शन सेकंड है पॉलीसाइफोनिया, ऑप्शन थर्ड है एनाबिना, और ऑप्शन फोर है एक्टोकार्पस। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका राइट आंसर क्या है, एक्टोकार्पस। इसके अंदर मेल गेमेट्स क्या रहते हैं, फ्लेजिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज। एम्फीबियंस क्या क्यों बोलते हैं इनको, ऑप्शन फर्स्ट है दे आर फाउंड इन ओनली वाटर, ऑप्शन सेकंड है प्लांट लिव्स इन सोइल बट आर डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन थर्ड है इट नीड्स वाटर फॉर स्पोर फॉर्मेशन, और ऑप्शन फोर्थ है वाटर इज एसेंशियल फॉर इट्स सर्वाइवल। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी, इनको क्या चाहिए, रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13 है द गेमिटोफाइट इन ब्रायोफाइट्स प्रोड्यूसेस बाइफ्लेजिलेटेड गेमेट्स एंथेरोजोइड्स इन, उसके बाद में स्पेस दिया है एंड प्रोड्यूस ओवम फीमेल गेमेट इन, बाद में स्पेस दिया है। आपका ऑप्शन फर्स्ट है एंथ्रिडियम कार्पोगोनियम, ऑप्शन सेकेंड है एंथर ओवेरी, ऑप्शन थर्ड है आर्चिगोनियम एंथ्रिडियम, और ऑप्शन फोर्थ है एंथ्रिडियम आर्चिगोनियम। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी, एंथ्रिडियम आर्चिगोनियम। एंथेरोजोइड बनते हैं एंथ्रिडियम में, और फीमेल गेमेट ओवम किस में बनता है, आर्चिगोनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रायोफाइट्स आर नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय, ब्रायोफाइट का कौन सा कैरेक्टर नहीं है। पहला ऑप्शन है वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम एंड वेस्कुलर सिस्टम, दूसरा है राइजोइड्स, तीसरा है अल्टरनेटिव ऑफ जनरेशन, और चौथा है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। योर टाइम स्टार्ट नाउ। अब इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम एंड वेस्कुलर सिस्टम, इसके अंदर ही एब्सेंट रहता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 15 की, क्वेश्चन 15 है स्पेगनम इज कॉल्ड पीट मोसेस बिकॉज, स्पेगनम को पीट मोस क्यों कहते हैं। पहला ऑप्शन इट ग्रोज इन एसिडिक मासेस डॉग एंड हेल्प्स इन पीट फॉर्मेशन, दूसरा है इट इज फाउंड इन पीट, तीसरा इट डिकेज ऑफ फॉर्म पीट, इट्स फॉसिलाइज्ड क्विकली। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, इट ग्रोज इन एसिडिक मासेस डॉग एंड हेल्प्स इन पीट फॉर्मेशन, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेगनम, स्पेगनम को पीट मॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोनिमा, पहला ऑप्शन है इसके अंदर इट इज ए स्टेज ऑफ गेमेटोफाइटिक जनरेशन, दूसरा है इट इज ए क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच स्टेज एंड डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर, तीसरा है प्रोड्यूसेस लेटरल बर्ड विच फॉर्म्स लीफी प्लांट बॉडी, और चौथा है ओल। योर टाइम स्टार्ट नाउ।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑल। ये सारे के सारे कैरेक्टर किससे रिलेटेड है, प्रोटोनिमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इस फिगर को देख के आपको सही करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, ए बी सी बताना आपको। पहला ऑप्शन है ए स्टाइप, बी है होल्ड फास्ट, सी ए फ्रॉन्ड। दूसरा ऑप्शन है ए फ्रॉन्ड, बी ए स्टाइप और सी ए होल्ड फास्ट। तीसरा ऑप्शन है ए है होल्ड फास्ट, बी है फ्रॉन्ड और सी ए स्टाइप। और चौथा ऑप्शन है ए है स्ट्राइप, बी है फ्रॉन्ड और सी ए होल्ड फास्ट। योर टाइम स्टार्ट नाउ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, बी। ए क्या है इसके अंदर, फ्रॉन्ड। बी क्या है, स्टाइप। और सी क्या है, होल्ड फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाउंड इन वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स में कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ऑप्शन फर्स्ट आइसोगेमस, ऑप्शन सेकेंड एनिसोगेमस, ऑप्शन थर्ड ओगेमस और ऑप्शन फोर्थ ऑल ऑफ दीज। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ओगेमस। इसके अंदर क्या हो गया, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। कोड जो दिए उसके बेसिस पे आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, फूड अगार एल्जिन केराजिनिन और ओ कॉलम बी के अंदर ब्राउन एल्गी, पोरफायरा लेमिनेरिया, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया और फोर्थ के अंदर रेड एल्गी। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। ए के अंदर क्या आएगा, दो। ए किससे रिलेटेड हो गया, ये दो, पोरफायरा और लेमिनेरिया फूड के लिए। बी के अंदर क्या आ गया, तीन, जेलिडियम ग्रेसिलेरिया किससे हो गया, अगार। सी के अंदर क्या आ गया, एक, ब्राउन एल्गी एल्जिन। और डी के अंदर क्या आ गया, चार, केराजिनिन क्या हो गया, रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन। कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर होते हैं, ऑप्शन फर्स्ट स्पायरोगायरा, ऑप्शन सेकंड क्लेमाइडोमोनास, ऑप्शन थर्ड यूलोथ्रिक्स और ऑप्शन फोर्थ कारा। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, क्लेमाइडोमोनास। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। ग्रीन एल्गी हैव ए रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ एन इनर लेयर ऑफ स्पेस एंड आउटर लेयर ऑफ स्पेस। ग्रीन एल्गी की सेल वॉल किससे बनी है, इनर और आउटर। पहला ऑप्शन है सेलुलोज, सेलुलोज। दूसरा है पेक्टोज, पेक्टोज। तीसरा है पेक्टोज सेलुलोज और चौथा है सेलुलोज पेक्टोज। योर टाइम स्टार्ट नाउ। इसका राइट आंसर होगा डी। पहले के अंदर आएगा, इनर कौन सी होगी, सेलुलोज, और आउटर कैसी होगी, पेक्टोज। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 22। प्रोथेलस इन टेरिडोफाइटिस। टेरिडोफाइट का प्रोथेलस कैसा है। ऑप्शन फर्स्ट है नॉन वेस्कुलर हैप्लोइड मल्टीसेलुलर स्मॉल मोस्टली फोटोसिंथेटिक और थेलोइड गेमेटोफाइट। ऑप्शन सेकंड है वेस्कुलर मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट और हैप्लोइड। और ऑप्शन थर्ड है डिप्लोइड फ्री लिविंग गेमेटोफाइट और ऑप्शन फोर्थ है इन थेलस प्लांट बॉडी इट इज ए इन सेम टेरिडोफाइट्स। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फर्स्ट, नॉन वेस्कुलर है टेरिडोफाइट्स के अंदर प्रोथेलस, हैप्लोइड है, मल्टीसेलुलर है, स्मॉल मोस्टली फोटोसिंथेटिक है और क्या हो गया, थेलोइड गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की। द स्प्रेडिंग ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड बिकॉज इज रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन। बिकॉज जियोग्राफिकल के अंदर, जियोग्राफी के अंदर ये कम क्यों है इनके नंबर टेरिडोफाइट्स के, ये क्वेश्चन है आपको बताना है इसका आंसर। पहला ऑप्शन है गेमेटोफाइट्स ग्रोथ नीड्स कूल डॉम पर स्टडी प्लेसेस। और दूसरा है रिक्वायरमेंट्स ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तीसरा एब्सेंस ऑफ स्टोमेटा एंड लीफ, एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू और चौथा ए एंड बी। योर टाइम स्टार्ट नाउ।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए एंड बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज नॉट हैव फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। इसके अंदर कौन सा ग्रुप फ्री लिविंग गैमेटोफाइट नहीं रखता है? पहला ऑप्शन ब्रायोफाइट ओनली, दूसरा है टेरिडोफाइट्स ओनली, चौथा जिम्नोस्पर्म ओनली और चौथा जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। इन जिम्नोस्पर्म्स रूट्स आर जनरली, रूट्स कैसी होती हैं जिम्नोस्पर्म के? पहला ऑप्शन है फाइब्रस रूट, दूसरा है एडवेंटिशियस रूट, तीसरा है टेप रूट और चौथा है प्रोप रूट। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टेप रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरीली इन और ऑन। पहला ऑप्शन है फ्रेश वाटर, दूसरा है मेरन हैबिटेट, तीसरा है टेरिस्टियल हैबिटेट और चौथा है रॉक। योर टाइम स्टार्ट नाउ। इसका राइट आंसर होगा बी मेरन हैबिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स आर फाउंड इन ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में कौन सा पिगमेंट है? पहला ऑप्शन क्लोरोफिल ए सी, दूसरा क्लोरोफिल ए डी, तीसरा क्लोरोफिल ए सी एंड फ्यूकोजेंथिन और चौथा है क्लोरोफिल ए एंड फाइको इरिथिन। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। लेमिनेरिया, लेमिनेरिन एंड मेनिटोल द रिजर्व फूड ऑफ ब्राउन एल्गी आर। पहला ऑप्शन है लिपिड, दूसरा है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, तीसरा प्रोटीन और चौथा है लाइपोप्रोटीन। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। फाइकोइरिथ्रिन इज फाउंड इन। पहला ऑप्शन है यूग्लिना, दूसरा है पॉलीसाइफोनिया, तीसरा है क्लेमाइडोमोनास और चौथा है फ्यूकस। योर टाइम स्टार्ट नाउ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है पॉलीसाइफोनिया। फाइकोइरिथ्रिन किस में होगा? पॉलीसाइफोनिया में। क्वेश्चन नंबर 30। इन जिम्नोस्पर्म मेल गैमेटोफाइट। पहला ऑप्शन इज हाईली डेवलप्ड, दूसरा हैज ऑन इंडिपेंड लाइफ, हैज एन इंडिपेंड लाइफ, तीसरा इसके अंदर इज हाईली रिड्यूस्ड एंड कन्फाइंड टू ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ सेल और फोर्थ इसके अंदर इज रिप्रोड्यूस इन माइक्रोस्पोरेंजिएट कॉन। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? थर्ड, इज हाईली रिड्यूस्ड एंड कन्फाइंड टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल। लिमिटेड नंबर ऑफ सेल इसके अंदर क्या होगी? प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉमन इन ऑल द थ्री फ्यूनेरिया, ड्राइप्टेरिस एंड गिंको। तीनों के अंदर कॉमन क्या है? पहला ऑप्शन इंडिपेंड स्पोरोफाइट, दूसरा प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनिया, तीसरा वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू और चौथा है इंडिपेंड गैमेटोफाइट। योर टाइम स्टार्ट नाउ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 32 है। एक फिगर दिया है आपको मार्केंसिया का, आपको ए बी ओ सी को रिकॉग्नाइज करना है। पहला ऑप्शन आपके पास ए है एंथ्रिडियोपोर, बी है जेमाकप और सी है राइजोइड्स, दूसरा आपके पास ए है एंथ्रिडियोपोर, बी है राइजोइड्स और तीसरा जेमाकप, चौथा है इसके अंदर तीसरा ऑप्शन है आर्चिगोनियोपोर, बी है जेमाकप और सी है राइजोइड और फोर्थ है ए है आर्चिगोनियोपोर और बी है राइजोइड और सी के जेमाकप। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। ए क्या है इसके अंदर? एंथ्रिडियोपोर, ये एंथ्रिडियोपोर है। आर्चिगोनियोपोर से थोड़ा सा डिफरेंट है, ये क्वेश्चन आता है कई बार। बी क्या हो गया इसके अंदर? ये जेमाकप हो गया और सी क्या हो गया? ये राइजोइड्स हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। ए स्टेराइल जैकेट अराउंड गैमेटेंजिया इज फाउंड अमोंग। पहला ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स, दूसरा है लाइकेंस, तीसरा है एल्गी और चौथा फंजाई। योर टाइम स्टार्ट नाउ।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, ब्रायोफाइट्स, ए स्टेराइल जैकेट अराउंड गेमेटेज एंड फाउंड अमोंग, इन चार के अंदर ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगी, स्टेराइल जैकेट, बाकी सभी में क्या रहेगी, अपसेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं 34 की, पीट ऑप्टेंड फ्रॉम स्पेगनम मॉस इज यूज्ड एज, किसको, पीट मॉस को, स्पेगनम को किस काम में लेते हैं, पहला ऑप्शन है फ्यूल, दूसरा है मेन्योर, तीसरा है केरोसिव और चौथा क्या हो गया, तीसरा कोरोसिव और चौथा है बोथ ए एंड बी। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, फ्यूल भी काम में आता है एज ए फ्यूल और एज ए मेन्योर भी काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा बूस्टर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉस, इन चारों में मॉस कौन सा नहीं है, पहला ऑप्शन पॉलीट्राइकम, दूसरा स्पेगनम, तीसरा फ्यूनेरिया और चौथा रिक्शिया। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रिक्शिया, ये क्या है, लीवर वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, इन टेरिडोफाइट्स ए स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस, स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं, ऑप्शन फर्स्ट है स्पोरोफाइट, ऑप्शन सेकंड है स्पोरोगोनियम, ऑप्शन थर्ड है प्रोथेलस और ऑप्शन फोर्थ है इसमें माइक्रो स्पोरोफिल। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोथेलस। क्वेश्चन नंबर 36 है, इन टेरिडोफाइट्स प्रोथेलस प्रोड्यूसेस, प्रोथेलस क्या प्रोड्यूस करेगा, पहला ऑप्शन है स्पोरेंजिया, दूसरा है एंथ्रिडी एंड आर्चिगोनिया, तीसरा है वेस्कुलर टिश्यू और चौथा रूट स्टेम एंड लीफ। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, एंथ्रिडिया एंड आर्चिगोनिया, प्रोथेलस से क्या बनेंगे, एंथ्रिडिया एंड आर्चिगोनिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37, द हिट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स आर, हिट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स कौन से, इसके अंदर पहला ऑप्शन है लाइकोपोडियम टेरिस, दूसरा है सिलेजनेला एंड साइलोटम, तीसरा है सिलेजनेला एंड साल्विनिया और चौथा ड्राइव टेरिस एंड एडियंटम। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो होगा सिलेजनेला एंड साल्विनिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की, मैच द कॉलम ए एंड बी, ये कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड को मैच करना आपको, इस क्वेश्चन के लिए आपको कॉलम ये देखना फिर मैच करके इन ऑप्शन का जवाब देना। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सी, ए किससे रिलेटेड है, फर्स्ट से, मतलब साइलोप्सिडा का एग्जांपल क्या हो गया, साइलोटम, बी से रिलेटेड क्या हो गया, थर्ड लाइकोप्सिडा के अंदर क्या आ गया, सिलेजिनेला, सी से रिलेटेड क्या हो गया, सेकेंड स्पिनोप्सिडा से इक्विसिटम और डी से रिलेटेड क्या हो गया, फोर्थ जिसको हम बोलते हैं टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल ड्रायोप्टेरिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की, माइकोराइजल रूट ऑफ स्पेस आर एसोसिएट विद सेम सम फंगल सिम्बायोन्स, पहला ऑप्शन है पाइनस, दूसरा है सिड्रस, तीसरा है साइकस और चौथा है गिंको। योर टाइम स्टार्ट नाउ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, कोरोलर रूट्स ऑफ स्पेस हैव सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, योर ऑप्शन इज पाइनस फर्स्ट, सिड्रस सेकेंड, साइकस थर्ड और गिंको फोर्थ। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी साइकस। हम बात करते हैं 41 क्वेश्चन की, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन और पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में बताना आपको। पहला ऑप्शन है स्पोर, स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, स्ट्रोबिली, ऑप्शन सेकंड है स्पोर्स, स्पोरेंजिया, स्पोरोफिल, स्ट्रोबिली, ऑप्शन थर्ड है स्पोरेंजिया, स्पोरोफिल, स्पोर्स, स्ट्रोबिली और फोर्थ है स्पोर, स्पोरेंजियम, स्ट्रोबिली एंड स्पोरोफिल। योर टाइम स्टार्ट नाउ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्पोर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट साइकस, साइकस के संदर्भ में कौन सा इनकरेक्ट है, पहला ऑप्शन है इट हैज अनब्रांच स्टेम, दूसरा इट
पजेज इज पिनेटली कंपाउंड लीव्स, तीसरा इट इज ए डायसिस प्लांट और चौथा है इट इज ए नॉन आर्चिगोनियट प्लांट्स। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका राइट आंसर है इट इज नॉन आर्चिगोनियट प्लांट। ठीक है, ये क्या हो गया स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी सारे स्टेटमेंट क्या है करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं 43 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर हैप्लोइड इन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में कौन सी स्ट्रक्चर ही हैप्लोइड होंगी। इसमें से पहला ऑप्शन है पोलन ग्रेन मेगास्पोर एम्ब्रियो, दूसरा है पोलन ग्रेन मेगास्पोर एंडोस्पर्म, तीसरा है मेगास्पोर लीफ रूट और चौथा है लीफ रूट एंड इंटेगमेंट। योर टाइम स्टार्ट नाउ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा बी पोलन ग्रेन मेगास्पोर एंड एंडोस्पर्म। हैप्लोइड क्या होंगे ये स्ट्रक्चर, एंडोस्पर्म इसके अंदर हैप्लोइड है, ये स्पेशल कैरेक्टर इसका। नेक्स्ट है कनाडा बालसम एंड माउंटिंग एजेंट यूज टू मेक परमानेंट स्लाइड इज ऑप्टेंड फ्रॉम द स्पीसीज ऑफ, कौन सी स्पीसीज से कनाडा बालसम ऑप्टेन होता है। पहला है एबिस, दूसरा है सिड्रस, तीसरा पाइनस और चौथा जुनिपेरिक्स। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका राइट आंसर होगा ए बीच। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। जिम्नोस्पर्म कॉल्ड एज ए लिविंग फॉसिल्स इज, लिविंग फॉसिल्स किसको कहते हैं। पहला ऑप्शन साइकस, दूसरा है गिंको, तीसरा जूनिपेरिक्स और चौथा ए एंड बी। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, साइकस एंड गिंको को क्या बोलते हैं लिविंग फॉसिल्स। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मिसमैच पेयर, मिसमैच पेयर आपको सेलेक्ट करना है। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म रेफ्लेसिया, लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म यूकेलिप्टस रेगनेंस, तीसरा है मेरान एंजियोस्पर्म जूस्टेरा एंड थेलेसिया और चौथा है एंजियोस्पर्म विथ स्मॉलेस्ट सीड ऑर्किड। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट है, ये मिसमैच पेयर है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म क्या है रेफ्लेसिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल जनरली अकर्स इन, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल किसमें होगी। पहला ऑप्शन मोस्ट एल्गी, दूसरा है ब्रायोफाइट्स, तीसरा टेरिडोफाइट्स और चौथा जिम्नोस्पर्म। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मोस्ट एल्गी। नेक्स्ट है हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल इज फाउंड इन, हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल किसमें होगी। पहला ऑप्शन ब्रायोफाइट्स, दूसरा टेरिडोफाइट्स, तीसरा है फंजाई और चौथा बोथ ए एंड बी। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका राइट आंसर होगा ए एंड बी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, इसके अंदर हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। आपको कॉलम ए एंड बी को मैच करना है। कॉलम ए के अंदर दिया है सागोपाम, दूसरा है चिलगोजा फ्रूट, तीसरा एफेड्रिन ड्रग और चौथा है सिड्रस वुड ऑयल। कॉलम बी के अंदर दिया इफेड्रा पाइनस जियार्डियाना साइकस रेवोल्यूटा और चौथा जूनिफेरेक्स विजिनियाना। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, ए के साथ में क्या आएगा तीन, ए के साथ सागोपा हम किससे ऑप्टेन करते हैं साइकस से, बी के साथ आएगा दो, चिलगोजा किससे करते हैं बी के साथ आएगा दो, पाइनस जियार्डियाना से और सी के साथ में क्या आएगा एक इफेड्रा सेम इफेड्रिन और डी के साथ में क्या आएगा चार सिड्रस वुडोल किससे ऑप्टेन करते हैं जूनिपेरिक से। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। इन स्पेस ए डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट हैप्लोइड गेमेटोफाइट अल्टरनेट्स विद शॉर्ट लिव डिपेंडेंट स्पोरोफाइटिस। पहला ऑप्शन है एल्गी, दूसरा ब्रायोफाइट्स, तीसरा इसके अंदर टेरिडोफाइट्स और चौथा जिम्नोस्पर्म। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या होता है मेन प्लांट बॉडी क्या रहती है गेमेटोफाइट जो हैप्लोइड रहती है और इंडिपेंडेंट रहती है जिसके ऊपर डिपेंड क्या रहता है स्पोरोफाइट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए प्लांट किंगडम से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस के इन जितने भी क्वेश्चन हैं इनके आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड करके फिर से इसको एक बार याद कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस तरीके की वीडियो आपको और देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो तथा वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच।